हेलो अन नमस्कार दोस्तों, तारीख था 24 मार्च 2023। तो उस दिन आसमान में दिखाई दिया एक जो कहते हैं विरल दृश्य, वो था चंद्रमा के ऊपर एक था बिंदु, जिसको हम उड़िया में कहते हैं इंदु परे बिंदु। तो पवित्र मालिका ग्रंथ में भी इसके बारे में लिखा गया है, भविष्य मालिका ग्रंथ में इसके बारे में जिक्र किया गया है, एक नहीं दो नहीं कई सारे ग्रंथों में इसके बारे में चर्चा की गई है महापुरुषों के द्वारा। तो महापुरुषों ने इसके बारे में सैकड़ों ग्रंथ में लिखे हैं कि जब ये विरल दृश्य आसमान पर प्रतीत होगा तब प्रलय लीला आरंभ हो गया। खाली इतना ही नहीं, महाप्रभु कल की उदय वहीं से शुरुआत हो जाएगी। तो फिर कल की लीला का शुरुआत वहीं से आरम्भ हो जाएगा। तो मालिका में ये लिखा गया है, उड़िया का शब्द में बोलता हूँ, इसके बारे में मैं हिंदी में बात करूँगा। उड़िया में लिखा गया है इंदु परे बिंदु जेबे देखिब कौड़ की उदय सिबे होइब। तो महापुरुष संत अच्युतानंद दास ने ये लिखे हैं उनके पवित्र मालिका ग्रंथों में। तो उसी पर हमारा आज का है चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं मालिका रिसर्चर और जगरात कथा संस्कृति के महान प्रचारक, सबका आदरणीय कान्हू बाबा। बाबा जी आपका स्वागत करता हूँ। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। तो बाबा जी, हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो पवित्र मालिका ग्रंथ में ये लिखा गया है इंदु परे बिंदु, जो ये विरल दृश्य जो है आसमान पर प्रतीत हुआ दिखा दिया, तो क्या कहता है आपका रिसर्च? परमानंदं परम ब्रह्मा निर्विकारं शाश्वत जगदानंदो नीलाद्रे नाथाय नमः। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। ए कथा आज को 600 वर्षरो महापुरुष पंचसखा तांको भविष्य दृष्टा लेखनी मुनि रे दिव्य लेखनी मुनि रे से लिखि जाइछंती इंदु परे बिंदु देखिबु जेबे कलकी लीलाटी प्रकाश तेबे अनंत जुगर महिमा गीति कहिबाकु बार होई समर्थी सामर्थ्य पदकु नोहिब किस सनातन धर्म रखी गुपत नीलाचल धामे रहिछि पुणी जगन्नाथ तक नामटी जानी। महापुरुष 500 वर्ष पूर्व जहाँ लिखिं 600 वर्ष पूर्व ताजी वास्तव में सत्य होगा जाऊँगी। तेणु से महापुरुष अच्युतानंद कहते इंदु परे बिंदु देखिबु जेबे लीलाटि प्रचार होइब तेबे मेछ संहारण तम साघात लीला उपजीव जम्बुद्वीपे तो अंतरिक्ष महाकाशरे ज्योति प्रकाशिव बिंदु परे इंदु देखिबु बेनिने त्रे जे। महापुरुष अनेक कथा कहते बाबा जी हिंदी में। महापुरुष अच्युत नंद महापुरुष भविष्य मालिका में लिखा है दोनों बात लिखा है, इंदु परे बिंदु और बिंदु परे इंदु। नक्षत्र इसको संस्कृत में नक्षत्र कहता है और जो तारा है तारा को तारा बिंदु पर रहेगा अर्धमात्रा के पर रहेगा, मतलब चंद्रमा के बिल्कुल ऊपर ऊपर रहेगा वो तारा तारा और नीचे भी रहेगा अर्धमात्रा रहेगा अर्धमात्रा इसको चंद्र कहता है जो रहता है चंद्रमा चंद्रमा उसके ऊपर भी रहेगा और बिल्कुल नीचे भी रहेगा धीरे धीरे नीचे भी रहेगा नीचे भी रहेगा। तो इसका क्या मिलेगा संकेत? दोनों बात लिखा है महापुरुष, एक प्रलय का बात है एक अनंत युग के बारे में बात है, अंत युग के अनंत युग के आरंभ की बात। कली का अनंत युग में जो संधिष्ठ समय है सत्य त्रेता द्वापर कली जो है चार युग है ना, सब युगों का संधिक का समय है। सत्य को सत्य जाना पड़ेगा और त्रेता आने पड़ेगा, आने जाने का जो संधि का टाइम ना, मतलब सत्य युग जाएगा और त्रेता युग आएगा और जो संधि का समय और सत्य युग आएगा। तो ये जो बीच का जो समय है इसको संधि का समय है जिसको अनंत युग बोलेगा। वो कली युग में जो कली जाएगा वो सत्य आएगा, वो जो नीचे जो संधिष्ठ स्थान है इसको अनंत युग बोलेगा। हमारा महामाया ने जो योग माया ने नवरात्र में जो अष्टमी तिथि है तिथि में एक तिथि का बारी है, अष्टमी जाएगा और नवमी आएगा वो भी संधि समय है। इसीलिए महापुरुष लिखा है भविष्य मालिका में
जाने जाने तक पड़ेगा, जो मिलेच्छ संहार होगा, भारत में नहीं है, विश्व के सबका देश में वो जो छितक पड़ेगा, वो संकेत आप देखेगा, इसको गलत, इसको सब मिलेच्छ भुना हो जाएगा, भुना मतलब है सब घबरा हो जाएगा, वो क्या हो गया, मड़ा मड़ा शब्द पड़ा, वो समुद्र उछल जाएगा, वो महामारी आ जाएगा, वो सब बिजली झटका मारेगा, वो सब विपत्त समय आएगा, ये समय अच्छा नहीं है। वो महापुरुष बोलने लगा भविष्य मालिका में, कले आकाश पड़ी वज्र लो बहुल जाड़ी देव भूमंडल, कले आकाश वज्र पड़ बड़ हठात समय आसीब उल्कापात हटात है जी जी जी। इसका मतलब है बाबा जी ये कह रहे हैं कि ऐसा भी एक समय आएगा अचानक, वो उल्का उल्कापात जो है वो भी एक समय आएगा, वो भी हमें देखने को मिलेगा, और ये बिल्कुल प्रलय प्रलय लीला का शुरुआत कहलाएगा। जी बाबा जी, ये सब अच्छा नहीं हुआ, ये जो समय आएगा वो वित्तपात समय है, एक उत्पात है, एक वित्तपात है, एक निपात है। अभी जो समय चल रहा है, जो इंदु पर बिंदु है, वो अच्छा नहीं है, ये समय मिलेच्छ संहार होगा। कौन कौन बचेगा? जो भगवान को पुकार करेगा, भक्त भक्त बचेगा, चतुआ भक्त जो है, जोगी भी योग साधन करेगा, अच्छा आदमी भी बचेगा, भला ये आदमी बचेगा, जो सत्काम करेगा वो भी बचेगा, लेकिन कौन मरेगा? मिलेच्छ, जो सारे संसार में मिलेच्छ हो जाएगा। मिलेच्छ कौन को बोलेगा? जो क्राइम करता है, जो दुष्ट है। जिदाइदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्म से तदात्मनां सृजामहि। जो गीता में लिखा है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुग जुगे, जो धर्म है, धर्म कहानी होती है तब तब मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। तेणु धर्म के स्थापन के लिए जो कल्कि भगवान है, जगन्नाथ महाप्रभु है, बलभद्र जी भैया है, सुभद्रा मैया है, सुदर्शन चक्र जी है, जो चक्र है ना वो 16 चक्र घूमेगा। ये भगवान का हाव में पाँव में नहीं है, हाथ में नहीं है। नहीं, 16 चक्र मतलब हमारा देश जो है हिंदुस्तान में घूमेगा या फिर सारे देश, सारे विश्व में घूमेगा। 16 चक्र घूमेगा। अच्छा, उस समय प्रलय लीला का शुरुआत के समय पे होगा या फिर बीच में होगा या अंत में होगा? नहीं नहीं, अंत वो, अच्छा वो लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम है। अच्छा, वो चलेगा विपद में चलेगा। जी जी जी, वो अंत अंत का समय है, चक्र जब घूमने लगेगा वो अंत का समय आ जाएगा जी, इसीलिए चक्र घूमेगा। चक्र किसी का पास है? भगवान जगन्नाथ के पास है, नारायण के पास है। अभी इसका हाँ पे पाँव पर नहीं, हाथ पे नहीं है, कहाँ पर ना? विश्व में घूमेगा। इसीलिए महापुरुष अचूत अनंत जसवंत बलराम जगन्नाथ शिशु अनंत, ये जो पंच सखा है ना, उत्कल का महंत नहीं है, अभी तो विश्व का बन जाएगा। विश्व का इसका जो लख लख ग्रंथ, साधु संत ज्योतिष विज्ञानी जो साइंटिस्ट दार्शनिक जितना है, सब वो पुस्तक पढ़ रहा है, क्या लिखा है अचूत महापुरुष मालिका में, क्या लिखा है भविष्य में ग्रंथ में, क्या लिखा है। आओ आगे जो आगे को होगा ना, ये सब हो जाएगा। आगे भी महापुरुष से लिखा है, वाले समय में जो होगा, आगे समय भी आएगा, वो नभमंडल में, ये महाकाश में एक धनु का पिक्चर आएगा। धनुष, धनुष। अच्छा, वो धनुष का नाम है वैष्णव धनु, वैष्णव धनुष। अच्छा, वो आसमान पर दिखाई देगा, दिखा जाएगा तो, कि माला आएगा। तो बाबा जी का ये मानना है कि अभी तो देखा है कि इंदु पर बिंदु, इसका मतलब है चंद्रमा के ऊपर था एक तारा, तो वो तो एक नकारात्मक संकेत है जो हमें देखने को मिला। खाले उतना ही नहीं, आने वाले समय में ऐसा भी कुछ दिखेगा आसमान पर, एक धनुष जैसा एक जो चित्र है वो दिखेगा, और उसके ऊपर एक माला भी होगा। तो वो क्यों दिखेगा, वो क्या संकेत देगा, इसके बारे में आइए बाबा जी से जानते हैं। बाबा जी बोलिए। वो अनंत युगों का फल है, अनंत युग फल जो अनंत युग जो आएगा वो वैष्णव धनु को आएगा। इसी में उड़िया में लिखा है महापुरुष जसवंत दास। उड़िया में क्या लिखे हैं उसके पहले वो बताइए, फिर उसका हिंदी का जो ट्रांसलेशन है वो भी हम बताएंगे। जी, कले जगते पड़ब दुख लबहुल वीर जाणी डाक 64 जोगिनी संगत रे घेनी संसारे पड़ब दुख। ये महामायंकर जो समय आसला जोगिनी ताक पाखे धाइबे, तेणु 64 जोगिनी माने एकत्रीकरण हेबे। ये कौन पाई? ये समय तो समस्त एकाठी हो जाए, ये जोगमायांकर कूट 64 जोगिनी कूट 9 कोटी कांतायनी कूट, ये समस्त एकाठी हेबे। माँ बीरजा दरखास्त करेंगे संबलपुरी माँ देवी पाखे देवसभाव, देवसभा पासव क्या पाखे ना आम विमला पाखे, विमला सब एकत्रित होटिक आसबे ना कटक माँ शाणा पाखे,
सारा जहाँ परमिशन देवे ताही कार्यकारी हम। अच्छा, तेणु तो बाबा जी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो शक्ति माताएं हैं तो शक्तिपीठ जो है वहाँ पे जो माताएं हैं तो वो सब एकजुट हो जाएंगे और वो सिर्फ उसके बाद आएंगे माता सरला जी के पास, जो उड़ीसा में एक शक्तिपीठ है उसका नाम है सरला पीठ। तो इसके बारे में भी हमारा टीम वहाँ पे जाएगा और क्या क्या है उसका महात्म्य, क्या क्या है उसका महिमा, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जी बाबा जी बोलिए। वो काम करेगा महामाई के काम करेगा, महामाई जब आएगा इसका आयुध है ना 233 का धनुष का नाम लिखा है पुराने में, लेकिन कलयुग में नीला चक्र नारायण आयुध वो महामाई का है। एक धनुष का नाम है वैष्णव धनु, वो वैष्णव धनु महा आसमान पड़ेगा, आसमान पर दिख जाएगा जी, सारी लोग देखेगा। कब दिखेगा ये बाबा जी? वो 27 में हो जाएगा, 27 में। तो बाबा जी यहाँ पर दिए बिल्कुल डायरेक्ट हिंट, बोले कि 2027 में जैसे ओडिया में लिखा गया है सत्ता हजीजी बहुत 27 रे, तो इसका मतलब यह है कि जो सत्ता वो बिल्कुल खो जाएगा 2027 के प्रारंभ में। तो फिर बाबा जी का मानना है कि ये जो धनुष आसमान में प्रतीत होगा ये लगभग 2027 के आसपास दिखेगा, तब चल रहा होगा मीन शनि योग। तो फिर बाबा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सच में जितना भी तारीफ किया जाए उतना कम है। बहुत ही सुंदर आपने जो वार्ता पहुंचाए हमारे दर्शकों के लिए इस वीडियो के माध्यम से। तो आप अभी सुन रहे हैं मालिका रिसर्चर जगन्नाथ कथा संस्कृति के महान प्रसारक कान्हू बाबा जी को। कैसा लगा आज का ये वीडियो अपना मत दीजिए कमेंट बॉक्स में, और कान्हू बाबा से आप किस किस विषय पर सुनना चाहते हैं उसके बारे में भी आप बताइए कमेंट में, हम जरूर कान्हू बाबा से दोबारा मिलेंगे और उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए हम ये बता रहे हैं, मालिका के बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा आपको इस चैनल में मिलेगा, कोई भी मिलावट भरी कहानियाँ आपको इसमें नहीं मिलेगा। और संत अच्युतानंद दास जी के द्वारा लिखी गई जितने भी सारे मालिका वर्णित पीठ है, जो स्थान है वहाँ पे भी हमारा टीम जाएगा, उसका जो महिमाएं हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय जगन्नाथ, जय पंचखा।